गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी विल बी स्टडी जनरल नॉलेज ऑफ क्लास फोर्थ. सो प्लीज टेक आउट योर जीके बुक. And now open your book. सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है. ठीक है, तो जो आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट होंगे उसका सिलेबस मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आएंगे. चलिए सिलेबस देखते हैं. जो जो मैं सिलेबस है उस पर आप लोग टिक कर लीजिएगा. तो चैप्टर फर्स्ट एनिमल किंगडम, ठीक है, फिर चैप्टर थर्ड द वाइल्ड वर्ल्ड, चैप्टर फोर्थ, ठीक है, फिर चैप्टर सेवन, चैप्टर एट द बिग वाइल्ड कैट्स, फिर एट है द ग्रीन वर्ल्ड, सॉरी सेवन है द ग्रीन वर्ल्ड, चैप्टर एट है द ग्रीन वर्ल्ड, ठीक है, दोनों चैप्टर सेवन और एट दोनों ग्रीन वर्ल्ड है. ठीक है, तो आपके चैप्टर फर्स्ट सेकंड फोर्थ सेवेंथ एट, फिर चैप्टर नाइन, ये टेन, ये जो टेन क्रॉस नहीं लगा है चैप्टर टेन भी है आपका. ठीक है, चैप्टर टेन, ठीक है, चैप्टर नाइन, चैप्टर टेन, फिर चैप्टर इलेवन, चैप्टर ट्वेल्व, चैप्टर थर्टीन, फिर जो चैप्टर फोर्टीन है उसको क्रॉस कर लीजिएगा, चैप्टर फोर्टीन नहीं, फिर चैप्टर फिफ्टीन एंड चैप्टर सिक्सटीन. ठीक है, जिस जिस चैप्टर पे मैंने टिक लगाया है, जिस जिस चैप्टर पे मैंने सिलेबस आप लोगों को बताया है, इतने चैप्टर पहले हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, जिस जिस चैप्टर पर टिक लगा है वही वही चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, जिस जिस चैप्टर पर टिक नहीं लगा है वो चैप्टर हम लोग नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट है हमारा एनिमल किंगडम. तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर. पेज नंबर फाइव पे आइए. टुडे वी विल बी स्टडी चैप्टर फर्स्ट. योर चैप्टर नेम इज एनिमल किंगडम. योर चैप्टर नेम इज एनिमल किंगडम. किंगडम मीन्स जानवरों का साम्राज्य. एनिमल मीन्स जानवर, किंगडम मीन्स होता है साम्राज्य, मीन्स जो जानवर है जो एनिमल्स हैं उनके साम्राज्य. ठीक है, तो जो एनिमल्स होते हैं उन्हीं के हम लोग बारे में इस चैप्टर से क्लियर हो रहा है कि एनिमल्स के बारे में हमें पढ़ना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड. ये जो हमारी दुनिया है इस दुनिया में अलग अलग टाइप के, बहुत ही टाइप्स के एनिमल्स होते हैं. ठीक है, जो हमारी वर्ल्ड है, जो हमारी दुनिया है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल इन दिस वर्ल्ड. इस दुनिया में बहुत टाइप्स के, अलग अलग टाइप्स के जानवर हैं. दे हैव बीन कैटेगरीज्ड इनटू सिक्स ग्रुप्स ऑफ, सॉरी ग्रुप्स ऑन द बेस ऑफ दियर कैरेक्टरिस्टिक्स. जो हमारी ये जो एनिमल्स हैं उनकी कैटेगरी के अनुसार, मीन्स की जो उनकी क्वालिटीज है उनके अनुसार यहाँ पे सिक्स पार्ट में इन्हें डिवाइड किया गया है. ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिक्स पार्ट में डिवाइड किया गया है उनकी कैटेगरीज के अनुसार, मीन्स की उनके क्वालिटीज के अनुसार. ठीक है, इन ईच ऑफ द ग्रुप्स सोन विलो दीज, सॉरी सोन विलोज देयर इज वन एनिमल्स दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप्स. यहाँ पे देखिए नीचे ग्रुप्स यहाँ पे दिए गए हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स दिए गए हैं इस चैप्टर में. देखिए यहाँ पे ग्रुप्स बनाए गए हैं, तो ये ग्रुप्स हैं उसमें हमारे कुछ एनिमल्स हैं, है ना एनिमल्स, जो इस ग्रुप से रिलेट करते हैं. ठीक है, जिस ग्रुप में उनको रखा गया उस ग्रुप से रिलेट करते हैं, बिलोंग करते हैं. क्रॉस आउट दैट एनिमल्स. चलिए देखते हैं जो हमारे एनिमल्स हैं. मैंने बताया है कि जो हमारे दुनिया, हमारे जो वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं. उन डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को जो है हमारे
उसको सिक्स पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया सिक्स पार्ट। फर्स्ट हमारा दिया हुआ है हार्वीवोरस, सेकंड हमारा कार्निवोरस, थर्ड है हमारा वर्टिब्रेट्स, फोर्थ हमारा इनवर्टिब्रेट्स, सिक्स हमारा इंसेक्ट्स और फिफ्थ है हमारा इंसेक्ट्स एंड सिक्स है हमारा रेप्टाइल्स। तो देखिए सिक्स पार्ट में डिवाइड किया गया ना, तो इन्हीं सिक्स पार्ट्स को जो हमारे दिए गए हैं इन्हें आज हम लोग देखेंगे कि हमारे हार्वीवोरस एनिमल्स क्या होते हैं, कार्निवोरस एनिमल क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स एनिमल क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स। जो हमारे एनिमल्स तो ये ऐसे तो हम लोग बहुत जानते हैं कि हाँ एनिमल्स होते हैं, एलिफेंट है, टाइगर है, मंकी है, स्टारफिश है, स्नैक्स है, आंट है, ये सब हैं, ये तो हम लोग जानते हैं कि एनिमल्स हैं। पर कौन से एनिमल्स हमारे किस टाइप के एनिमल्स हैं ये तो हमें नहीं मालूम है, तो चलिए आज वही हम लोग मालूम करते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हमारा दिया है आर्वीवोरस। तो आर्वीवोरस का डिफिनेशन है, आर्वीवोरस इज एन एनिमल्स दैट ओनली इट्स प्लांट्स। जो आर्वीवोरस एनिमल्स होते हैं वो हमारे क्या खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, क्या खाते हैं, मीन्स आर्वीवोरस मीन्स होता है हमारा शाकाहारी। ठीक है, आर्वीवोरस मीन्स होता है हमारा क्या, शाकाहारी। और ये हमारे क्या होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं। ठीक है, शाकाहारी जो एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं। आर्वीवोरस इज एन एनिमल्स दैट ओनली इट्स प्लांट्स, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं एनिमल्स वो हमारे क्या होते हैं, आर्वीवोरस। ठीक है, फिर सेकंड हमारा क्लियर हो गया होगा कि आर्वीवोरस एनिमल्स क्या होते हैं। आर्वीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे शाकाहारी होते हैं और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे जो खाते हैं वो हमारे एनिमल्स क्या होते हैं, आर्वीवोरस एनिमल्स होते हैं। फिर हमारा सेकंड है कार्निवोरस। कार्निवोरस का डिफिनेशन होता है, कार्निवोरस इज एन एनिमल्स दैट ईट मीट। जो हमारे कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। ठीक है, मीन्स जो हमारा कार्निवोरस मीन्स होता है कि मांसाहारी, क्या होता है, मांसाहारी, मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी मीन्स जो हमारे मांस मछली खाते हैं। तो ये हमारे जो एनिमल्स होते हैं ये हमारे मांस खाते हैं, कार्निवोरस होते हैं। और कार्निवोरस इज एन एनिमल दैट इट मीट। कार्निवोरस एनिमल्स क्या होते हैं, जो मांस खाते हैं, मीन्स जो हमारे जो भी एनिमल्स मांस खाते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कार्निवोरस। ठीक है, देखिए जस्ट जो आर्वीवोरस एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं, और इसके जस्ट अपोजिट हमारे कार्निवोरस जो होते हैं वो मांस मछली खाते हैं, मीन्स जो हमारे मांस होता है उसे खाते हैं। ये जस्ट इसके अपोजिट है। क्लियर हो गया ना कि आर्वीवोरस हमारे प्लांट्स खाते हैं और कार्निवोरस हमारे मीट्स खाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा थर्ड वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स एनिमल्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स एनिमल्स जिनमें रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, रीढ़ की हड्डी होती हैं जिनमें, जैसे कि जो वर्टिब्रेट्स का डिफिनेशन होता है, विच हैज ए स्पाइन। ठीक है, इनका डिफिनेशन यही होता है, मीन्स यही होता है ये कि जो हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं इनके पास क्या होता है, हमारा स्पाइन होता है, मीन्स रीढ़ की हड्डी होती है। तो वर्टिब्रेट्स का हमारा डिफिनेशन हो जाएगा, इन वर्टिब्रेट्स इज अ क्रिएचर दैट हैव अ स्पाइन। एग्जाम्पल इनके हैं जैसे कि बर्ड और फिश। जो हमारे बर्ड होती हैं, फिश होती हैं, इन लोग के पास क्या होते हैं, हमारे डॉग होते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो इतने हमारे मंकी हुए हैं, फ्रॉग है, डॉग है, कॉकरोच है, इन लोग के पास क्या होती है, रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हमारे वो होते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं। एंड वर्टिब्रेट्स इज अ क्रिएचर That have a spine, ठीक है। ये जितने एनिमल, डॉग होगा, डॉग को आप लोगों ने देखा होगा उनके ऊपर से ही, जिस बहुत जो काफी दुबले पतले हैं डॉग होते हैं, तो उनको देखे ऊपर से ही दिखता है कि उनकी में हड्डियां ऐसी दिखती है। तो वही जो ऊपर की जो रीढ़ हड्डियां, रीढ़ों में रीढ़ की हड्डियां होती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स जस्ट वर्टिब्रेट के अपोजिट होता है, मीन्स कि जो हमारे वर्टिब्रेट्स के पास रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं और इनवर्टिब्रेट्स में रीढ़ की हड्डियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट्स का डिफिनेशन रहता है कि एन इनवर्टिब्रेट्स इज अ क्रिएचर
that does not have a spine. Example, worm, octopus, starfish. इन लोग के पास क्या होता है? इन लोग के पास रीढ़ की हड्डियां नहीं होती हैं, ठीक है? बटरफ्लाई, ये सब जो होती है, इन लोगों के पास क्या होती है? रीढ़ की हड्डियां नहीं होती हैं. तो वर्टिब्रेट्स में रीढ़ की हड्डियां होती हैं और इन वर्टिब्रेट्स में रीढ़ की हड्डियां नहीं होती हैं, ठीक है? स्पाइन मींस होता है हमारी रीढ़ की हड्डी, ठीक है? तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? देखिए, इसमें जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके में क्या होती है? रीढ़ की हड्डियां होती हैं और इन वर्टिब्रेट्स में रीढ़ की हड्डियां नहीं होती हैं. चलिए देखिए, पहले वर्टिब्रेट्स, रीढ़ की हड्डी. और इन वर्टिब्रेट्स में रीढ़ की हड्डियां नहीं होती हैं. नहीं होती हैं. ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स में रीढ़ की हड्डियां होती हैं और इन वर्टिब्रेट्स में रीढ़ की हड्डियां नहीं होती हैं. ठीक है, फिर हमारा क्या है नेक्स्ट? इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स में होते हैं हमारे कीड़े. इंसेक्ट्स में क्या होते हैं? कीड़े. ठीक है, इंसेक्ट्स में हमारे कीड़े मकौड़े होते हैं. ठीक है, इंसेक्ट्स आप लोगों ने देखे होंगे, जो हमारे आंट हो गए, बी हो गए, बटरफ्लाई हो गए, ये सब हमारे क्या होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं. इंसेक्ट्स का डिफिनेशन हो जाएगा, एन इंसेक्ट्स इज अ स्मॉल एनिमल्स दैट हैज सिक्स लेग्स. मोस्ट इंसेक्ट्स, जो ज्यादा इंसेक्ट्स होते हैं, जो मोस्ट इंसेक्ट्स हैव विंग्स, मीन्स ये है कि जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं. जो इंसेक्ट्स होते हैं वो छोटे ही होते हैं, ठीक है, बहुत ही स्मॉल होते हैं वो. फिर इनके पास जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास सिक्स लेग्स होते ही होते हैं. ठीक है, इनके पास क्या होते हैं? सिक्स लेग्स होते हैं. और जो मोस्टली इंसेक्ट्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं. ठीक है, मोस्टली इंसेक्ट्स के पास हमारे विंग्स होते हैं जो कि हमारे क्या करते हैं? फ्लाई कर हैं, उनमें फ्लाई करते हैं, मीन्स की उड़ते हैं. समझ में आया? एन इंसेक्ट्स इज अ स्मॉल एनिमल्स दैट हैज सिक्स लेग्स. मोस्ट इंसेक्ट्स हैव विंग्स. जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं. ठीक है, इंसेक्ट्स में होते हैं हमारे कीड़े मकोड़े, और इंसेक्ट्स हमारे जो होते हैं वो छोटे होते हैं. इनके पास सिक्स लेग्स होता है. किसके पास? इंसेक्ट्स के पास सिक्स लेग्स होता है. मोस्टली जो ज्यादातर हमारे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास विंग्स होता है, जिससे ये फ्लाई करते हैं, मीन्स कि ये उड़ते हैं. तो ये हमारे क्या होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं. इंसेक्ट्स में हमारे आते हैं आंट, फिर उसके पास बटरफ्लाई, बी, ये सब हमारे क्या होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं. फिर नेक्स्ट देखिए, हमारे नेक्स्ट हमारा सिक्स, रेप्टाइल्स. जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं वो हमारे जमीन पे, मींस की लैंड पे और वाटर में, दोनों में, लेकिन मोस्टली मतलब ज्यादातर ही हमारे वाटर में ही रेप्टाइल्स पाए जाते हैं. ठीक है, ज़्यादातर हमारे जो रेप्टाइल्स होते हैं, ये जो रेप्टाइल्स होते हैं वो जब लैंड पे भी होते हैं, वाटर पे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे मतलब मोस्टली ये हमारे वाटर में ही होते हैं. ठीक है, जो इसकी इनकी स्किन होती है वो स्किन बहुत ही जो इनकी स्किन होती है बहुत ही ड्राई और स्केली होती है. ठीक है, और इनके पास एक स्केल होता है. जैसे कि देखिए, टर्टल होता है हमारा, जो इसको एक पर कोई भी अटैक करता है तो ये क्या करता है? अपने सारे चीज़ों को, जितने बॉडी के पार्ट होते हैं, उन सेल के अंदर अपने छिपा लेता है, जिससे कि कोई इनको अटैक ना कर पाए. वो बहुत ही हार्ड होता है. ठीक है, और ये जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स हमारे एग देते हैं, और कुछ कुछ मतलब जो रेप्टाइल्स होते हैं अंडे देते हैं, और कुछ जो होते हैं वो बच्चे भी देते हैं. ठीक है, तो ये हमारे रेप्टाइल्स होते हैं. फिर से देख लीजिए, रेप्टाइल्स हमारे लैंड एंड वाटर दोनों में होते हैं, मोस्टली हमारे वाटर में ही होते हैं. जैसे देखिए, क्रोकोडाइल, टर्टल, स्नैक, ये हमारे लैंड पे भी होते हैं, वाटर में भी, पर ज़्यादातर हमारे क्या होते हैं? ये वाटर में ही होते हैं. ठीक है, फिर ये जो इनके मैंने बताया कि इनके जो स्किन होती है उनकी बहुत ही ड्राई होती है. ठीक है,
और बहुत ही इनके पास एक स्केल होता है जो बहुत ही क्या होता है, हार्ड होता है। उस स्केल के अंदर जैसे टर्टल को देख रहे हैं आप लोग, इस टर्टल को कोई भी जानवर, कोई भी चीज़, जो भी इनकी जो दुश्मन कोई भी चीज़ इनको अटैक करता है तो स्केल के अंदर अपनी सारी चीज़ों को छिपा लेता है। और वो स्केल बहुत ही क्या होता है, हार्ड होता है। तो ये आपके जो एनिमल्स थे वो 6 पार्ट में डिवाइड किए गए थे, वो यही थे। होप कि आप लोगों को क्लियर अब हो गया होगा। जैसे फर्स्ट हमारे क्या था, हार्वीवोरस मीन्स शाकाहारी, शाकाहारी एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ घास फूस पौधे ये सब खाते हैं। जैसे कि हमारा एलिफेंट, आप लोगों ने देखा होगा कि केले खाता है, घास खाता है, फ्रूट्स खाता है, ये सब खाते हैं। घोड़े हैं मीन्स की हॉर्स है, काऊ है, ये हमारे क्या होते हैं, हार्वीवोरस। एलिफेंट, जिराफ, हॉर्स, काऊ, ये सब हमारे क्या हैं, हार्वीवोरस हैं, जो कि हमारे क्या हैं, शाकाहारी है, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। फिर हमारे नेक्स्ट क्या है, कार्वीवोरस मीन्स की मांसाहारी, जो हमारे क्या खाते हैं, मीट खाते हैं। जैसे देखिए पर टाइगर, फॉक्स, लायन, कैट, ये सब है ना, ये सब हमारे क्या करते हैं, मांस को, ये लोग मांस खाते हैं। फिर हमारी क्या है, वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स जिनके पास लड़की हड्डियां होती हैं, ठीक है, क्या होती है, जिनके पास लड़की हड्डियां होती है मीन्स के स्पाइन होता है। जैसे कि हमारा डॉग, मंकी, फ्रॉग, ये सब हमारे क्या होते हैं, जिनके पास लड़की हड्डियां होती हैं। फिर इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास जिनकी जस्ट अपोजिट, जिसके पास लड़की हड्डियां नहीं होती हैं, जैसे स्टारफिश, स्नैक, ऑक्टोपस, वॉर्म्स, ये सब हमारे क्या होते हैं, जिनके पास लड़की हड्डियां नहीं होती हैं। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स हमारे बहुत से छोटे से स्मॉल से एनिमल्स होते हैं, इनके पास 6 लेग्स होते हैं, इनके पास विंग्स भी, मोस्टली मतलब इंसेक्ट्स के पास विंग्स भी होते हैं जिससे ये फ्लाई करते हैं। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स हमारे लैंड एंड वाटर दोनों पे ही पाए जाते हैं, दोनों जगह रहते हैं और ये ज़्यादातर वाटर में ही रहते हैं। इनकी स्किन बहुत ही स्केली और ड्राई होता है। ये एग्स भी देते हैं मीन्स कि अंडा भी देते हैं और बच्चे भी देते हैं, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को जो एनिमल्स हमारे जो हैं, और एनिमल्स के बारे में तो आप लोग जानते ही थे, पर हमारे एनिमल्स को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, वो आप लोग आज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कौन से एनिमल, जो हमारे एनिमल्स हमारे मांस खाएंगे वो हमारे मीन्स की मीट खाएंगे वो हमारे कार्निवोरस होंगे, जो प्लांट खाएंगे वो हर्बीवोरस होंगे, ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। जिनके पास लड़की हड्डियाँ होंगी वो वर्टिब्रेट्स होंगे, जिनके पास लड़की हड्डियाँ नहीं होंगी वो इनवर्टिब्रेट्स होंगे, जो छोटे छोटे स्मॉल से एनिमल्स होंगे वो हमारे इंसेक्ट्स होंगे जिनके पास 6 लेग्स भी होंगे, जो हमारे लैंड और वाटर दोनों में जगह देखे जाएंगे वो हमारे क्या होंगे, रेप्टाइल्स एनिमल्स होंगे। एक्वेरियम टाइप होते हैं जैसे कि सिर्फ और सिर्फ पानी में ही इस टाइप के दिखते हैं, एक्वेरियम वाले एनिमल्स को रेप्टाइल्स भी बोला जाता है। तो होप कि आप लोगों को ये एनिमल्स की जो 6 कैटेगरी हैं वो क्लियर हो गया होगा। तो जो आज का चैप्टर है एनिमल किंगडम वो यहीं पे फिनिश होता है, और साथ साथ में इसी के क्लास भी हमारा यहीं पे ओवर होता है। सो थैंक यू सो मच।